आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ये है कि डिलीवरी के बाद फर्स्ट डे औरत के लिए कैसा होता है और उसको क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सायरा ज़ेशान है। डिलीवरी क्योंकि एक पेचीदा अमल है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सिज़ेरियन सेक्शन हो, औरत एक बहुत एक पेन से, एक पूरे मेंटल ट्रॉमा से गुजरती है कि डिलीवरी खैर खैरियत से हो जाए। सबसे पहला कंसर्न जो एक औरत का डिलीवरी के बाद होता है वो पेन है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डिलीवरी के बाद आपको जो पेन किलर्स दिए गए हैं आप उसे प्रॉपर टाइम पे लें। दूसरी चीज़ वो उसका इमोशनल स्ट्रेस है, मतलब कि हार्मोनल चेंज की वजह से, पेन की वजह से एक नए बच्चे को उसने हैंडल करना होता है, ना सोने की वजह से बार बार उसका रोना, उसका चिड़चिड़ाहट पॉइंट, वो ये सिम्टम्स एक्सपीरियंस करती है। तो इसके लिए फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, हस्बैंड उसको सपोर्ट करे, बाकी फैमिली उसका साथ दे, उसको रेस्ट के लिए प्रॉपर टाइम मिले, उसकी नींद का ध्यान रखा जाए कि अगर वो दिन में जाग रही है तो उसको रात को सोने का मौका दिया जाए, या अगर वो रात में जाग रही है तो उसको दिन में कुछ घंटे आराम के लिए दिए जाए। तीसरी चीज़ उसकी डाइट है, क्योंकि बॉडी का अभी हीलिंग प्रोसेस है तो उसको हेल्दी डाइट, जिसमें ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं गोश्त, कीमा, यखनी, फ्रूट्स वगैरह, वो ले, और ऐसी डाइट इस्तेमाल करें जिसमें फ़ाइबर का कंटेंट ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत सी औरतों को डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है। चौथी चीज़ जो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उसने अपने बच्चे को दूध पिलाना है, उसके लिए उसको प्रॉपर हेल्प की जाए, उसको गाइड किया जाए, दूध पिलाने की सही पोजीशन क्या है, किस तरह उसने पिलाना है, और उसकी वो बहुत ज़्यादा मकदार में पानी इस्तेमाल करे ताकि उसकी फीड बेहतर हो। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। पांचवी चीज़ ये है कि डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते का रेस्ट रिकमेंडेड है, ठीक है। एक पूरी जिस्म का एक प्रोसेस होता है, उसको अपनी वापस रूटीन में आने में 6 हफ्ते लगते हैं, तो ज़रूरी ये है कि वो 6 हफ्ते माँ अपने बच्चे को देखे, अपनी खुराक का ख्याल रखे और मुकम्मल आराम करे। इस टॉपिक के मुतल्लिक अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरी अपॉइंटमेंट के लिए आप मरहम ऐप के थ्रू क्लिनिक, इन क्लिनिक और ऑनलाइन दोनों कंसल्टेशंस की ऑप्शन ले सकते हैं।